हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर आई एम सुवर्णा घाटे लेक्चरर एन आई टी पॉलीटेक्निक नागपुर आवर टुडेज़ टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्या होते हैं उसे कैसे प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्रांसफ़र किया जाता है देन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा है इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे देन लर्निंग आउटकम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम दैट इज यूज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फॉर डिफरेंट अप्लीकेशन तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डिफरेंट अप्लीकेशन के लिए यूज़ कैसा होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि हमारा यूनिट नंबर थ्री है देन लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड द डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर नो द इफिशियंसी एंड ऑल्डा इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर तो ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस कितने टाइप के हैं देन नॉर्मल इफिशियंसी और ऑल्ड इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है ये हम इस वीडियो से सीखने वाले हैं फर्स्ट लॉसेस द टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर तो टाइप्स ऑफ लॉसेस कितने हैं दो टाइप के लॉसेस हैं दैट इज़ द कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस तो कॉपर लॉसेस कहाँ होते हैं हमेशा वाइंडिंग में होते हैं और आयरन लॉसेस कहाँ होते हैं कोर में होते हैं हमारी जो वाइंडिंग है वो कॉपर की होती है दैट्स वाई जो लॉसेस होंगे तो वो कौन से लॉसेस है कॉपर लॉसेस है तो वो कहाँ होंगे वाइंडिंग में होंगे आयरन का हमारा क्या होता है कोर मटेरियल आयरन का होता है तो जो लॉसेस होंगे आयरन लॉसेस वो कहाँ होंगे कोर में तो आयरन लॉसेस को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है फर्स्ट वन इज़ हिस्टेरिस लॉसेस एंड सेकेंड वन इज एडी करंट लॉसेस देन नेक्स्ट मेथड टू मिनिमाइज लॉसेस तो फर्स्ट हम देख रहे सीरियल नंबर देन सेकेंड कॉलम में हमारा है लॉसेस और उसको थर्ड कॉलम में हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे वो देखेंगे तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉसेस एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉसेस तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है बाय सेलेक्टिंग द लो रेजिस्टेंस कंडक्टर फॉर वाइंडिंग तो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस अगर हमने ज़्यादा वैल्यू का सिलेक्ट किया तो रेजिस्टेंस के वजह से करंट क्या होता है ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है अपोज करता है दैट्स वाई लॉसेस क्या होंगे बढ़ेंगे लेकिन अगर हमने लो रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया तो करंट ड्रॉप होगा क्या नहीं होगा तो हमारे लॉसेस भी कैसे होंगे कम होंगे देन सेकेंड वन इज एडी करंट लॉसेस इन कोर बाई यूजिंग थीन स्टील लैमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर मटेरियल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर द कोर जो हमने स्टील मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए थीन होना चाहिए या आयरन मटेरियल भी जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे होना चाहिए इंसुलेटेड होना चाहिए फ्रॉम ईच अदर इंसुलेशन होगा तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लॉसेस भी क्या होंगे कम होंगे देन हिस्टेरिस ऑफ कोर जो हिस्टेरिस लॉसेस होते हैं ये जो एडी करेंट लॉसेस है और हिस्टेरिस लॉसेस है ये कौन से लॉसेस है अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा दैट इज द आयरन लॉसेज बाय यूजिंग ग्राइड सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर द कोर इंसुलेशन हम जो प्रोवाइड करेंगे वो बेटर इंसुलेशन होना चाहिए दैट्स वाई हिस्टेरिस लॉसेस कोर में क्या होंगे कम होंगे देन हम देखते हैं इफिशंसी द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इन वैट और किलोवैट टू द इनपुट पावर इन वैट और किलोवैट तो इफिशंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इट इज डिनोटेड बाय इस किससे हमने डिनोट किया है इफिशियंसी का फॉर्म इफिशियंसी का सिंबल हमने यहाँ पे गिवन दिया है तो इफिशियंसी इन परसेंट हम कैसे निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू टू हंड्रेड लेकिन अगर हमें इनपुट पावर नहीं पता हमें बस लॉसेस पता है और हमें आउटपुट पावर पता है तभी भी हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको आउटपुट पावर पता है लोड साइड में आपको कितना पावर मिल रहा है ये पता है और आपके बीच में कितने लॉसेस होने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर में ये अगर आपको पता है तो लॉसेस के साथ आउटपुट पावर को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा इनपुट साइड का पावर मिलेगा मतलब हमने इनपुट साइड में इतना पावर दिया लॉसेस होने की वजह से आउटपुट पावर हमें कम मिला है तो इफ़िशेंसी का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस उसके बाद हम देखते हैं ऑल्डर इफिशियंसी नॉर्मल इफिशियंसी का आपने फॉर्मूला देखा दैट इज द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर बट नॉर्मल इफिशियंसी और ऑल्डर इफिशियंसी में डिफरेंस है द ऑल्डर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट एनर्जी इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑल डे इफिशियंसी यानी कंप्लीट ट्वेंटी फोर आर्स की इफिशियंसी होती है जो ट्वेंटी फोर आर्स के लिए हम कंसिडर करते हैं तो ऑल डे इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा आउटपुट पावर इन के डब्ल्यू एच मतलब जो नॉर्मल इफिशियंसी है हम वो कंप्लीट आर्स के लिए कंसिडर करते हैं ठीक है पूरे दिन के लिए एक ही इफिशियंसी कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन डे इफिशियंसी ये हर एक घंटे बाद क्या होती जाती है चेंज होती जाती है इसलिए हम इसमें आर्स भी कंसिडर करते हैं तो आउटपुट पावर इन के डब्ल्यू एच यानी किलो वैट आरस तो पावर का यूनिट के डब्ल्यू एच और स्पेसिफिक उतने आर्स के लिए यानी के डब्ल्यू एच फॉर ट्वेंटी फोर आर्स मतलब जितने भी आर्स है पूरे दिन में उतने आर्स के लिए तुम्हारा पावर क्या होते जाएगा चेंज होते जाएगा डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन के डब्ल्यू एच फॉर ट्वेंटी फोर आर्स इन टू हंड्रेड अगेन उसको लॉसेस के फॉर्म में लिखना है तो आउटपुट पावर इन के डब्ल्यू एच फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स प्लस लॉसेस देन अगेन दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो क्यों के वी ए में ही होता है किलो वैट में क्यों नहीं होता है ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है द लाइफ ऑफ इंसुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर राइज रिजल्ट फ्रॉम लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर जो इंसुलेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर पे और टेम्परेचर राइज किस पे डिपेंड करता है लॉस पे अगर लॉसेस कम होंगे तो तुम्हारा टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा क्या नहीं अगर तुम्हारे लॉसेस ज्यादा है तो लॉसेस ज्यादा होने के वजह से ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप करेगा हीटअप करेगा मतलब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन द करंट एंड द आयरन लॉस डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज क्या बोलेंगे हम कॉपर से क्या फ्लो होता है करंट फ्लो होता है ठीक है तो कॉपर लॉस में कौन सा लॉस होता है करंट लॉस और आयरन में कौन सा लॉस होता है वोल्टेज लॉस हैंस टोटल लॉसेज डिपेंड्स ऑन द वोल्ट एम्पियर नॉट ऑन फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जो लॉसेज जो है हमारे वो किस पर डिपेंड करते हैं हमारे टोटल वोल्ट एम्पियर पे डिपेंड करते हैं ना कि उसके एंगल पे डिपेंड करते हैं द लॉसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोड पावर फैक्टर लॉसेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है लोड पावर फैक्टर से टू प्रिवेंट ट्रांसफार्मर फ्राम डैमेज ड्यू टू द टेम्परेचर राइज इट इज़ हाईली इसशियल टू लिमिट द लॉस अगर आपके ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा ट्रांसफार्मर को डैमेज करेगा उसके इक्विपमेंट्स को डैमेज करेगा तो ट्रांसफार्मर के इक्विपमेंट्स डैमेज नहीं होने चाहिए आपका ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कम होना चाहिए इसके लिए आपको लॉसेस कम होने चाहिए द लिमिटिंग वैल्यू आर रेफर्ड एज अ रेटिंग तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो डिफेंड कई पे होती है ट्रांसफार्मर कितने रेटिंग का है सो टू लिमिट द लॉसेस ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट मस्ट बी मेंटेन विद इन द लिमिट्स एंड द ट्रांसफार्मर रेटिंग इन के वी ए सो वोल्टेज एंड करंट को हम मेंटेन करेंगे तभी हमारे रेटिंग्स को हम क्या कर पाएंगे लिमिट कर पाएंगे और हमारे लॉसेस लिमिट में होंगे दैट्स वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग किस में होता है केवीए में होता है देन इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मोर देन नाइन्टी परसेंट तो क्यों ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अब हम आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे नॉर्मल इफिशेंसी के न्यूमेरिकल देखेंगे ऑल्ड इफिशियंसी के न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप उसमें देखोगे कि ट्रांसफार्मर की आप जब भी इफ़िशियंसी कैलकुलेट करोगे वो आपको मोर देन नाइन्टी परसेंट ही मिलेगी तो क्यों ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी मोर देन नाइन्टी परसेंट होती है ये ये हम देखेंगे ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विथ नो मूविंग पार्ट्स ट्रांसफार्मर ये स्टैटिक डिवाइस है उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं क्या नहीं मूविंग पार्ट्स अपसेंट होते हैं स्टैटिक यानी स्टेशनरी यानी कांस्टेंट कांस्टेंट होने की वजह से मूविंग पार्ट्स रोटेटिंग नहीं है इसका मतलब क्या है मूविंग पार्ट्स नहीं है मतलब ट्रांसफॉर्मर में ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस आर कंप्लीटली एबसेंट मूविंग पार्ट्स नहीं होने के वजह से जो ट्रांसफॉर्मर में फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं या वाइंडेज लॉसेस होते हैं वो क्या है एबसेंट है सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप के लॉसेस है आयरन लॉस और कॉपर लॉस फ्रिक्शन लॉसेस एब्सेंट होने के वजह से ट्रांसफॉर्मर की इफिशेंसी मोर देन नाइन्टी परसेंट होती है देन वोल्टेज रेगुलेशन द वोल्टेज रेगुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज वी टू फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विद द प्राइमरी सोर्स वोल्टेज वी वन एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मेंटेन कॉन्स्टेंट जो हमारा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है वो नो लोड टू फुल लोड में कितना वैरी होता है डिवाइडेड बाय वी वन ये होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये समझ में आएगा देन असाइनमेंट स्टेट द डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेट द मेथड टू मिनिमाइज इट इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके कॉपी में लिखना है देन हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम मैपिंग तो हमारा पी ओ वन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें इससे बेसिक नॉलेज मिलता है ट्रांसफार्मर का दैट्स वाई पी ओ वन सेटिस्फाई हो रहा है देन पी ओ सिक्स इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप इंडिविजुअली माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे प्रैक्टिकल करोगे तब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना जरूरी है दैट्स वाई आपका पी ओ सिक्स सेटिस्फाई हो रहा है पी ओ सेवन इज लाइफ लॉफ लर्निंग जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको ट्रांसफॉर्मर का नॉलेज होना जरूरी है जो आपको इस यूनिट से मिल रहा है दैट्स वाई आपका पी ओ सेवन भी यहाँ पे सेटिसफाई हो रहा है थैंक यू